हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और डॉक्ट्राइन के बारे में जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर जिसमें मैंने मेंशन किया था कि इंडोर मैनेजमेंट की वीडियो भी जल्दी आने वाली है एंड दोनों में कुछ कनेक्शन भी है अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं तो मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपको ये बताया था कि कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी के साथ डील कर रहा होता है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो ऐसा डीम्ड माना जाता है कि उसने उस कंपनी का एम और एओए ए पढ़ा है मतलब उस कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे उनकी उसे अच्छी खासी नॉलेज है अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गलती या कुछ भी ऐसा होगा जो गलत होगा उसके लिए ये आउटसाइडर लाइबल होगा ना कि कंपनी लाइबल होगी तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर्स के काइंड ऑफ अगेंस्ट था और कंपनी के फेवर में था बट फिर कुछ ऐसा देखा गया कि हर अगली कंपनी ने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का फायदा उठाना शुरू कर दिया मतलब कुछ भी गलती होती आउटसाइडर के ऊपर डाल देते फिर एक नई डॉक्ट्राइन बनी जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो कि आउटसाइडर्स की, की प्रोटेक्शन के लिए बनी इनके फेवर में बनी ठीक है तो जिस प्रकार डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसी एक पर्टिकुलर आउटसाइडर के अगेंस्ट और कंपनी के फेवर में बात करती है उसी प्रकार डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में और कंपनी के अगेंस्ट बात करती है बट ये बात क्या कर रही है वो समझ लेते हैं हम सी कोई इंसान था फर्से वो कंपनी के साथ डील कर रहा था कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जिसके लिए कंपनी को एक जनरल मीटिंग रखनी चाहिए थी ठीक है मतलब वो मैटर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इस प्रकार का था जिसके लिए जनरल मीटिंग बनती थी ऐसा एओए में लिखा हुआ था इस इंसान ने एओ ए अच्छे से पढ़ लिया उसको पता लग गया कि कंपनी में इस इस पर्टिकुलर चीज के लिए जनरल मीटिंग होगी और उसने कंफर्म किया कंपनी से कि जनरल मीटिंग हो गई कंपनी ने बोला हां जी बिल्कुल हो गई बट रियलिटी में देखा जाए तो कंपनी की जनरल मीटिंग कुछ इस प्रकार की थी कि वहां पे सिर्फ एक ही शेयर होल्डर आए वो भी बहुत ही चिल करने के लिए आराम से कोई वो टेंशन नहीं थी कुछ ऐसा दिमाग में नहीं लेके आई थी कि मीटिंग करनी है बाकी सब वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट न्यू सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड स्टफ मतलब ढंग से इन्होंने जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई ये है कंपनी की वॉल ठीक है जिसके अंदर ये पूरा बिजनेस हुआ है ये पूरी मीटिंग हुई है मीटिंग तो क्या ही बोलेंगे ऐसे मीटिंग के नाम पर मजाक हुआ है अब ये इंसान जिसने कंपनी के साथ डील करना था जो कंपनी के साथ डील कर रहा था वो तो इस चार दीवारी के बाहर है इसको तो नहीं पता कि जेनरल मीटिंग में क्या हुआ है और इसको तो ये भी नहीं पता कि जेनरल मीटिंग हुई भी है कि नहीं हुई है सो so, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी चीज निकलती है जो कि ब्रीच कंसिडर किया जाएगा तो उसके लिए हम इस इंसान को क्यू लाइबल ठहराएंगे जबकि यहाँ पे कंपनी की गलती थी अब भाई इस इंसान को तो सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है ना इस इंसान को तो एमओएओए के बारे में पता हो सकता है लेकिन कंपनी चार दीवारी के अंदर क्या कर रही है वो तो ये झाक के नहीं देख सकता ना ये तो बार बार कंपनी से नहीं पूछेगा ना कंपनी जनरल मीटिंग करा ली अच्छा कंपनी जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स आए थे अच्छा कंपनी ऑडिटर आया था क्या जनरल मीटिंग कितनी देर चली थी वर्चुअल हुई थी या फिजिकल हुई थी ये सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता ये कंपनी से क्योंकि ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है ये तो कंपनी की अंदर की बात है सो so, कंपनी अगर अंदर की बात में या इंटरनल अफेयर्स में कुछ भी ऐसी झोलझाल करती है उसके लिए इस आउटसाइडर को क्यों सफर कराया जाए सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिर्फ यही बोलता है कि इट मींस दैट अ कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम कंपनी की चार दीवारी में क्या होता है वो कंपनी की सरदर्दी है किसी आउटसाइडर की सरदर्दी नहीं है देयरफॉर दिस रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू पीपल डीलिंग विद अ कंपनी थ्रू इट्स डायरेक्टर और अदर पर्संस तभी ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि कंपनी से डील कर रहे हैं चाहे डायरेक्टर्स के थ्रू कर रहे हो या किसी और पर्सन के थ्रू कर रहे हो दे कैन अज्यूम द दम्बर्स ऑफ द कंपनी आर परफॉर्मिंग देयर आर्ट विद इन द स्कोप ऑफ देयर अपेरेंट अथॉरिटी वो आउटसाइडर तो यही मानेगा ना कि लोग जो हैं जो मेम्बर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो अपने सारे काम बकायदा टाइम पे कर रहे हैं और अपनी स्कोप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हैंस इफ एनी एक्ट विच इज वैलिड एंड द आर्टिकल इज डन इन द पर्टिकुलर मैनर दैन द आउटसाइडर डीलिंग विद्पनी कैन अज्यूम द डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स हैव वर्कड विद इन देयर अथॉरिटी सो अगर कोई भी एक्ट जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंशन थी वो अगर पर्टिकुलर वे में होती है नहीं भी होती है बट मैंशन कर दी जाती है बाहर आउटसाइडर्स को कि हाँ हो गई है तो उसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा वो तो यही अज्यूम करके बैठेगा कि कंपनी के अंदर के लोगों ने संभाल ली होगी हर एक चीज सो so, सम करने में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को बोलूं तो कंपनी अपनी चार दीवारी के अंदर क्या करती है अगर कुछ गलती करती है या अपने स्कोप के बियॉन्ड चली जाती है तो उन सब चीजों के लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा तो इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन बिल्कुल उल्टी बात बोलता है जो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले डॉक्ट्राइन में हमने पढ़ी थी सो so, ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है अब इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शन हैं जिनको मैं बहुत ही ब्रीफ में कवर करूंगी अभी फिलहाल क्योंकि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनती है जो कि मैं फ्यूचर में बनाऊंगी आप लोगों के लिए सो एक्सेप्शन कुछ इस तरह के हैं कि अगर आउटसाइडर को उस इरेगुलरिटी का पता हो फिर भी वो कुछ ना करे देन इन दैट सीना ये वाला डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा जैसे कि इस एग्जाम्पल में इस इंसान के बहुत सारे फ्रेंड्स कंपनी के पार्ट थे मतलब मेंबर्स थे उन सब बता दिया कि यार मीटिंग तो हुई नहीं थी बस ऐसे ही मस्ती मजाक हुआ था थोड़ा वर्चुअली हम मिल लिये हमने बात कर ली बस चिल किया कुछ भी ऐसा नहीं था अब इस बंदे को पता है भैया कंपनी ने अच्छे से मीटिंग तो कंडक्ट कराई नहीं है बट फिर भी इसने कुछ नहीं किया उस चीज को लेके इन दैट सिनारियो ये वाला डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा Then है द आउटसाइडर बिहेव्स नेग्लिजेंटली मतलब आउटसाइडर को कुछ चीजों पे नजर रखनी चाहिए थी बट उसने रखी नहीं मतलब जिन चीजों पे पॉसिबल था नजर रखना उन चीजों पे नजर रखनी चाहिए थी बट इसने नहीं रखी ये अपना यू नो नेग्लिजेंट बिहेव करता रहा ये अपने को दूर रखता रहा चीजों से दैनदाज सारियो ये वाला डॉक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा इस डॉक्टर का एक्सेप्शन कंसिडर किया जाएगा या फिर फॉर्जरी का कोई अगर केस होता है इन दाज सिनारी ऑल्सो ये वाला डॉक्टर एप्लीकेबल या मान्य नहीं होगा दैट्स इट इस पर्टिकुलर में बस इतना ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारी डॉक्ट्राइन वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो फट से जाके चेक कीजिए लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी के साथ हम नेक्स्ट कौन सी डॉक्ट्राइन पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं वो भी आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू